नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम दिल्ली में चल रहे प्लांट एक्सपो में आए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक स्टॉल मुझे दिखा है, जहाँ पर इस तरह से खूबसूरत लिली यहाँ पर है और बहुत ही कलर और अलग अलग शेप में यहाँ पर है। ये लोग आजकल क्या दिल्ली के आसपास या पूरा इंडिया भर में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करा रहे हैं और कंसल्टेंसी दे रहे हैं? चूँकि ये लिली जो है इम्पोर्ट की हुई है और इम्पोर्टेड पौधा है जो कि इंडिया में कम ही देखने के लिए मिलता है, तो आज हम जानेंगे कि ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, क्या कंसल्टेंसी देते हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर के कहाँ से हमको लेके देते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। चूँकि बहुत ही बढ़िया और यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे, जो लोग फ्लोरिकल्चर में आना चाहते हैं और एक हाईटेक फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए एक वरदान साबित होगा इस तरह की फार्मिंग। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो सर, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, तो आप अपने बारे में और कंपनी के बारे में कुछ बताइए सर। My name is Arjun Singh and our company name is Red Mirchi Associates. We are basically importer of various type of flower bulbs. जिस तरह के जो फूल अलग अलग तरह के फूल हैं उनके जो bulbs जिसको हम seeds बोलते हैं, but they are bulbs, वो import करते हैं and then we grow and we supply to other farmers and traders as well. So पिछले almost 15 साल से हम इस business में हैं। ये एक तरह का agri business है और एग्रीकल्चर अब कोई ऐसा नहीं रह गया है कि भाई आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके पास खाने के लिए मुश्किल से कुछ है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। अब अगर किसान एक कदम आगे आए तो इसमें बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने लिए तो करेंगे ही, आप औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे और एम्प्लॉयमेंट का लेवल ये है कि आप अगर जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ा होगा तो आप सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। अर्निंग अच्छी है, आप नॉर्मल क्रॉप अगर आप गेहूं चावल गन्ना कुछ भी उगाते हैं तो उससे तो ये 10 टाइम 20 टाइम का भी और 100 टाइम भी अच्छा परफॉर्म करता है। जहाँ तक फ्लावर्स की बात है, ये सब इंपोर्टेड बल्ब्स हैं जिनसे हम फ्लावर ग्रो करते हैं, तो ग्रोइंग पीरियड ऑलमोस्ट 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का अलग अलग फ्लावर का डिपेंड करता है और दिल्ली मार्केट से लेकर बॉम्बे मार्केट तक इन फूलों की बहुत डिमांड है। शादियों में जो हाई एंड मैरिजेज होती हैं जहाँ पर आपकी फ्लावर डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा 5-स्टार होटल्स के अंदर उनकी लॉबीज़ में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपकी फ्लावर डेकोरेशन वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने ड्राइंग रूम में बेडरूम में इसको लगाने का उनको शौक़ है। उसके अलावा बुकेज़ में या फिर पार्टीज़ होती हैं, कोई गेट टुगेदर है, बर्थडे है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इवेंट है, अगर आप देखोगे तो कहीं मोदी जी बैठे उनके सामने फूलों का एक पूरा रहता है, तो मतलब ये काम ट्रेंड है, वहाँ पे ये फूल जाते हैं। तो सर इसमें जो है आप कितनी वैरायटियों के साथ काम कर रहे हैं? अभी हम ऑलमोस्ट 30 से 35 अलग अलग तरह के फूल हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनका अलग अलग टेम्परेचर और कंट्री के अलग अलग एरिया के हिसाब से, ग्रोइंग टेम्परेचर के हिसाब से वो ग्रो करते हैं, तो हम पूरे इंडिया में ही सप्लाई करते हैं। वो ले सकते हैं, पूरे इंडिया से कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उसके अलावा ये नहीं है कि भाई हमने बल्ब सेल कर दिया या सीड सेल कर दिया, उसको ग्रोइंग एक्सपर्टीज़ देना, उसको बैकअप देना, कैसे ग्रो होगा, किस में कब क्या डालना है, कैसे हार्वेस्ट होगा, कटेगा, फिर मार्केट में कैसे जाएगा, मार्केट में भी कैसे बिकेगा, या बाई बैक एग्रीमेंट में जा सकते हैं या हम उनके साथ मिल के भी एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सर इसमें यदि कोई हाईटेक फार्मर जो है या आजकल नए जो बच्चे हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ नया करना चाहते हैं, वो लोग यदि जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और आप उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बीच में उस बात पे जाने से पहले मैं एक आपको बात ज़रूर बताऊँगा कि अभी तक हमारे यहाँ खेती एक घाटे का सौदा था। घाटे का सौदा क्यों था कि हमारे यहाँ ट्रेंड शुरू से ये रहा कि बच्चों को ना नौकरी लगाना है या नौकरी करवाओ, तो अब कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते घर में, कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, आखिर में उससे खेती करवाते थे। जो पढ़ के जो नौकरी के भी लायक नहीं है तो वो खेती क्या ही करेगा? तो मतलब कि एक अनपढ़ आदमी है जो खेती करेगा तो उसको मिट्टी में उसको क्या चाहिए, पानी में क्या चाहिए, उसके फर्टिलाइज़र क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या, मिट्टी की तासीर क्या, बहुत एक साइंस है पूरा। जो उसको कुछ पता ही नहीं है, वो पता नहीं तो फिर वो क्या ग्रो करेगा? तो इसलिए ये घाटे का सौदा था। अब जो आप बात मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पढ़े लिखे बच्चे जब इसमें आ रहे हैं, तो पढ़ा लिखा बच्चा कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर करके निकला है, एमएससी एग्रीकल्चर करके, या वैसे भी एमबीए करके निकला है, तो वो जब कोई काम शुरू करता है तो वो पूरी स्टडी करके इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मार्केट क्या होगी, पूरा एनालाइज करके जब वो करता है तो वो फिर पैसे कमाते हैं। तो अगर कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, हमारी वेबसाइट है www.redmirchi.org, ठीक है। उसके अलावा
आप गूगल पर रेड मिर्ची सर्च करेंगे या फ्लावर बल्ब डालेंगे या फ्लावर डालेंगे तो हमारा नाम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो इसमें हम हर तरह की सपोर्ट करते हैं उसको, उनके पोली हाउस बनाने से लेकर उनके गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम हैं, बैंक फाइनेंस करवाना, उनके स्ट्रक्चर खड़े करवाना, उनके लैंड डेवलपमेंट का, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, उनको सीड सप्लाई, फिर उनके हार्वेस्ट कैसे उनको सपोर्ट देनी है ग्रोइंग के लिए, और फिर आखिरी में उनको सेल सपोर्ट, ये सारा जीरो से लेकर आखिरी तक का काम, ए से जेड तक का हम काम कंप्लीट करके देते हैं। तो सर ज़्यादातर हमने देखा है कि इंडिया भर में पोली हाउस काफ़ी बनते हैं लेकिन ज़्यादातर पोली हाउस जो है कुछ दिनों में लोग काम करना बंद कर देते हैं या तो उनको घाटे का सौदा लगता है। तो मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे पोली हाउस रहते हैं जो कि काम नहीं कर पाते, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर वही बात है कि जो आज अगर किसी ने पोली हाउस लगाया है वो देखा देखी लगाया है, उसने स्टडी नहीं किया उसको कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान कब क्या करें, उसने किसी पड़ोसी का देखा, किसी रिश्तेदार का, या किसी ने कि कोई कंपनी मेरे जैसे आई उसने बता दिया ठीक है यार कर लो है, वो करके चला गया, उसको बेसिक पता ही नहीं है कि किसको कब क्या चाहिए, कब इसको सोयल को भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कब सोयल को रेस्ट देना है, राइट, इस सोयल का टेक्सचर क्या है, इसमें पोटास कम है या इसमें नाइट्रोजन कम है या नाइट्रोजन ज़्यादा है, कब किसमें कितना डालें, कुछ दिन के बाद क्या सोयल ख़राब हो गई या पेस्टिसाइड डाला नहीं डाला और डाला तो बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो वो सब वजह हैं कि उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, बट उसने देखा देखे कहीं से नकल मार ली, उसको प्रोफेशनली वो कर नहीं पाया और फिर वो उसके मतलब एक सैड स्टोरी और फेलियर स्टोरी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई सा भी काम शुरू करें तो उसके ऊपर पूरी स्टडी कर ले और जान ले कि उसमें क्या नफ़ा नुकसान है, उसके बाद ही काम शुरू करें। और कहीं ना कहीं आप एक्सपर्ट के साथ जा सकते हैं, एक्सपर्ट की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है और इंडिया भर में काफ़ी कुछ लोग आजकल काम कर रहे हैं। एक समय था जहाँ पर लोग ऐसे ही सब्सिडी के चक्कर में इस तरह के काम शुरू करते थे और कुछ दिनों के बाद वो बंद कर देते थे, लेकिन आजकल आप भाई साहब जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और आप इनकी भी मदद ले सकते हैं। इनकी लिंक आपने बता दी है, आप वहां पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह के खूबसूरत पौधों का प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस कड़ी में ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।